18th क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स हाफ tan इनवर्स 1, तो tan के टेबल में 1 कब आता है बेटा, tan के टेबल में 1 आता है पाई बाय 4 पे, बेटा इसी का मतलब है 0, इसी का मतलब है पाई बाय 6, इसी का मतलब है पाई बाय 4, इसी का मतलब है पाई बाय 2, इसी का मतलब है पाई बाय 2। फिर बच्चे sin थीटा की वैल्यूज होती है 0 हाफ 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1, cos थीटा की वैल्यूज होती है 1 रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 हाफ और 0, और मेरे बच्चे tan थीटा की वैल्यूज होती है 0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 और नॉट डिफाइंड। अब मेरे बच्चे tan के टेबल में 1 कब आता बेटा पाई बाय 4 पर, 5 का आंसर हो गया पाई बाय 4। फिर मेरे बच्चे cos के टेबल में हाफ कब आता बेटा, cos के टेबल में हाफ आता है पाई बाय 3 पर, तो बेटा ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया पाई बाय 3। अब मेरे बच्चे के फैमिली बन है, फैमिली बन है तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ। अब मेरे बच्चे sin के टेबल में हाफ कब आता है मेरे बच्चे पाई बाय 6 पर आता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, बेटा सबका एलसीएम ले लिया 12, इसे 12 बनाने के लिए 3 से इनटू करना है 3 पाई, इसे 12 बनाने के लिए 4 से इनटू करना है 4 पाई, इसे 12 बनाने के लिए 2 से इनटू करना है 2 पाई, तो हो गया 7 माइनस 2 तो हो गया 5 पाई बाय 12। दिस इज द फाइनल आंसर, तो बच्चे इसका फाइनल आंसर है 5 पाई बाय 12, चेक कर लीजिए प्लीज। मेरे बच्चे मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया बेटा मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर दिया, यहाँ पे माइनस था, मेरे बच्चे मैंने क्वेश्चन गलत नोट करके यहाँ पे माइनस था जरा इस वाले पार्ट को दोबारा से देख लेते हैं, बेटा मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर दिया, माइनस था, तो चलिए तो ठीक है कि tan इनवर्स 1 है तो 1 होता है पाई बाय 4 पर, कैंसिल हो जाएगा पाई बाय 4। बेटा ये फैमिली 2 है, अगर ये फैमिली 2 है तो बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, सो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, बेटा cos के टेबल में हमारा हाफ कब आता है मेरे बच्चे पाई बाय 3 पर आता है, तो ये हो गया cos का पाई बाय 3, तो कैंसिल हो जाएगा तो मेरे बच्चे हो जाएगा माइनस पाई बाय 3। फिर मेरे बच्चे ये फैमिली 1 है, फैमिली 1 में जो नेगेटिव है मेरे बच्चे वो बाहर आ जाता है, फिर मेरे बच्चे साइन के टेबल में हाफ कब आता है मेरे बच्चे, साइन के टेबल में हाफ आता है मेरे बच्चे पाई बाय 6 पर आता है, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई बाय 6, सबका एलसीएम ले लिया बेटा आ गया 12, इसे 12 बनाने के बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 12 बनाने के 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 12 बनाने के बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या 15 और 15 में से 6 चले गए तो 9 पाई बाय 12 3 पाई बाय 4, ये फाइनल आंसर है। चेक करें कोई डाउट है तो रेज हैंड करें, नहीं तो मैं नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ूंगा बेटा। जी मेरे बच्चों आइए, आई होप सबने नोट कर लिया होगा, इसे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें जरा देखते हैं बेटा, तो आज का हमारा नया क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन आया साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 3, साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 3, अब ये दोनों के दोनों कैंसिल तो तभी हो सकते हैं जब अगर एक साइन इनवर्स है तो दूसरा साइन हो, दोनों के दोनों सेम कैटेगरी के होंगे तभी तो कैंसिल हो पाएंगे, एक साइन इनवर्स है तो दूसरा साइन होगा तभी तो कैंसिल होगा बेटा, वरना कैसे कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता तो जो कॉस पाई बाय 3 है इसमें दिमाग लगाओ जरा कि जो कॉस पाई बाय 3 है इसका मतलब है कॉस का 60, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं जानबूझ करके अगली बार 90 माइनस 30, मैं जानबूझ करके ऐसी चीज पे इसे ब्रेक कर रहा हूं कि को फैक्टर यूज हो, समझ में आ रही बात, 90 पे ब्रेक करूंगा तो को फैक्टर लग जाएगा और को फैक्टर लग जाएगा तो कॉस क्या बन जाएगा साइन 30 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, अब ये कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि दोनों सेम बन गए हैं, समझ में आ रही बात, तो इसी को ट्रांसलेट करते हैं तो इसको बोल सकते हैं साइन पाई बाय 3 को बोल सकते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, 90 इज पाई बाय 2 30 is pi by 6, तो मेरे बच्चे और फिर बन जाएगा sin 30 यानी कि sin pi by 6, अब मेरे बच्चे दोनों के दोनों सेम है और pi by 6 उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी लाया करता है, तो मेरे बच्चे कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी pi by 6, यानी अभी हम दो तीन क्वेश्चन ऐसी कैटेगरी के यूज करने वाले हैं, हम अगर आपने पिछली क्लास देखी तो हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन करे थे उनमें हमने जानबूझ करके ऐसे चीज पर ब्रेक करा था कि को फैक्टर ना लगे और वो साइन इनवर्स था तो साइन ही रहे तो कट जाए, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वहां पर कॉस है, हम चाहते हैं कि को फैक्टर लगे, हम चाहते हैं कि को फैक्टर लगे तो उसे 90-270 पर ही ब्रेक करेंगे, तो हम उसे 90-270 पर ही ब्रेक करेंगे जानबूझ करके ताकि को फैक्टर लगे तो साइन बन जाए और वो कैंसिल हो जाए। आइए देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अब जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बच्चे, tan इनवर्स cot 3 पाई बाय 4,
tan inverse cot 3 pi by 4 kali beta cos of this obviously beta cos hai same cheez likhni hai bas pi ki form mein likhni hai beta hai na ab sin banega bilkul sahi beta ji mere bacche beta aage badhte hain dekhiye beta to ab humne yahan par observe kara ki 3 pi by 4 kitna hota hai beta to 3 pi by 4 hota hai 135 mere bacche 3 pi by 4 hota hai hamara 135 ठीक है तो 3 pi by 4 jo 135 hai beta तो अब 135 है तो अब मैं इसे दो चीजों में ब्रेक कर सकता हूं या तो मैं इसे 90 माइनस 45 लिख सकता हूं या तो मैं इसे 180 माइनस 45 90 प्लस 45 लिख सकता हूं या 180 माइनस 45 लिख सकता हूं अगर मैं 180 लिखूंगा तो कोफैक्टर नहीं रहेगा कॉट का कॉट ही रहेगा तो ये दोनों कट नहीं पाएंगे तो मैं जानबूझ करके इसे 90 लिखूंगा ताकि इस पर कोफैक्टर लगे और ये टैन बन जाए तो यानी मैं इसे बोल सकता हूँ कॉट 90 प्लस 45 और अब मेरे बच्चे जब कोफैक्टर लग जाएगा तो ये बन जाएगा टैन 45 और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस मेरे बच्चे कोफैक्टर लग जाएगा तो कॉट का बन जाएगा टैन थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस अब इसे ट्रांसलेट करके लिख देते हैं बेटा तो ये बन गया टैन इनवर्स कॉट कॉट 90 का मतलब होता है बेटा पाई बाय 2 और मेरे बच्चे 45 का मतलब होता है बेटा पाई बाय 4 अब मेरे बच्चे मैं इसे बोल सकता हूं माइनस टैन 45 यानी माइनस टैन पाई बाय 4 अब मेरे बच्चे टैन इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा है तो ये कौन सी फैमिली है फैमिली वन तो बेटा इसका जो नेगेटिव है वो बाहर चला जाएगा बच्चे इसका जो नेगेटिव है वो बाहर चला जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आंसर इज माइनस पाई बाय 4 बच्चे इसका आंसर है माइनस पाई बाय 4 क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है जी मेरे बच्चों बाकी बच्चे देखिए बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए बच्चों चेक करेंगे बच्चे देखिएगा जरा मेरे बच्चे पहले तो साइन का माइनस थीटा पहले समझिए बेटा बेटा साइन का माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा इसके नेगेटिव आ गया बाहर माइनस साइन 5 पाई बाय 3 अब ये माइनस है कॉस इनवर्स के अंदर ये माइनस है कॉस इनवर्स के अंदर ठीक है तो आप इसे बाद में भी निकाल सकते हो वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हो पहले इसको करके देख लेते हैं जरा तो सिर्फ इतने पार्ट को समझा रहा हूं आपको इतने पार्ट साइन 5 पाई बाय 3 पहले आप देखो कि 5 पाई बाय 3 होता कितना है बेटा तो मेरे बच्चे ये होता है 300 तो ये हो गया साइन 300 तो बेटा क्या मैं 300 को अब देखो बाहर कॉस इनवर्स है तो मैं चाहता हूं कि ना इसका कोफैक्टर लगे इसमें तो मैं इसे 270 प्लस 30 बोलूंगा वैसे मैं इसे 360 माइनस 60 से भी कर सकता हूं मेरे बच्चों ध्यान देना लेकिन अगर मैं इसे 360 से करता हूं तो कोफैक्टर नहीं लगेगा तो फिर मुझे बाहर कॉस इनवर्स के साथ काटने में दिक्कत होगी तो मैंने इसके अंदर जानबूझ के 270 प्लस 30 लगाया बाहर लिखा हुआ है cos इनवर्स माइनस अब मेरे बच्चे कोफैक्टर लगेगा कोफैक्टर लगेगा जी लग जाएगा तो ये बन जाएगा cos 30 और ये चौथा क्वाड्रेंट है वहां पे sin थीटा माइनस हो रहा है तो एक और माइनस आ जाएगा एक तो कोफैक्टर लग जाएगा मेरे बच्चे 5 5 3 300 300 को मैंने बोला 270 प्लस 30 कोफैक्टर लग गया तो sin का cos हो गया चौथे क्वाड्रेंट में माइनस जब मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा बेटा तो माइनस तो ये हो जाएगा साइन 270 का मतलब होता है 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 बेटा 270 का मतलब होता है 3 पाई बाय 2 ठीक है किसी भी चीज को अगर आपको पाई में चेंज नहीं करनी आता तो उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको पता लग जाएगा वो कितना होता है अब ये हो गया बेटा माइनस माइनस कॉस पाई बाय 6 माइनस माइनस इज कैंसिल्ड सो इसका आंसर बिकम्स पाई बाय 6 ये कैंसिल हो गए पाई बाय 6 आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है एक बार फिर से सुन लेते बेटा मेरे बच्चे साइन का नेगेटिव पहले बाहर चला गया फिर साइन 5 पाई बाय 3 का बनता था मेरे बच्चे साइन का 300 अब साइन 300 तो हमने बोल दिया बेटा 270 प्लस 30 वो फैक्टर लग गया तो cos 30 चौथे क्वाड में माइनस इसको ट्रांसलेट कर दिया पाई में फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया कैंसिल हो गया पाई बाय 6 फिर पिछली बार जब कराया था तो अंदर रख के रखा था और वो नेगेटिव कट गया था अगर आप पहली बार ले जाना चाहोगे तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा बस कैलकुलेशन में एक आधी चीज रह जाएगी तो भी बहुत बड़ी बात नहीं कोई कुछ पूछ रहा है जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब मेरे बच्चे कोसेक का माइनस थीटा भी मेरे बच्चे माइनस कोसेक थीटा होता है तो ये बाहर चला जाएगा माइनस को थोड़ी देर रोकते हैं फिर बाद में इस पे बात देखेंगे तो मेरे बच्चे हमने इसको 2 पाई बाय 5 लिखा है मैंने तो इसको कैंसिल कर दिया बेटा तो जब मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो हो गया 36 तो हो गया 72 ये हो गया मेरे बच्चे 72 करेक्ट करा मैंने शायद मुझे लगता है
बेटा 2 into 180 by 5, 5 से कट करते 36 तो 72, so this is 72, ठीक है? अच्छा, जी मेरे बच्चों बच्चे बता रहे हैं लेफ्ट की स्क्रीन कट रही है, I am sorry, आप देखिए बेटा, जी मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे 2 pi by 5 जो है वो 72 होता है बेटा, तो मैंने उसे 72 लिख दिया. अच्छा अब जो है मेरे बच्चे 72 लिख दिया. अच्छा अब मैंने इसको चेंज करना है, तो मैं इसको चेंज कैसे कर रहा हूं बेटा, देखो तो मैं इसे लिख रहा हूं 90 - 18, तो कोफैक्टर लग जाएगा, और जब इसके अंदर कोफैक्टर लग जाएगा तो ये बन जाएगा cosec 18 और पॉजिटिव में क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई प्लस होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई प्लस होता है, ठीक है? तो इसे ट्रांसलेट करें अगर तो बन जाएगा sec इनवर्स माइनस cosec पाई बाय 2 माइनस 18. बेटा 18 का मतलब क्या है, इसको पाई की फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा, पाई बाय 10, तो बेटा माइनस पाई बाय 10, ठीक है जी? ये आ गया यहां तक आ गया, ठीक है जी? तो हो जाएगा sec इनवर्स माइनस माइनस, बेटा कोफैक्टर लग गया तो sec बन रहा बेटा, ठीक है, प्लस sec 18, तो बेटा sec पाई बाय 10 पॉजिटिव में. अच्छा अब लेकिन इसका नेगेटिव और ये फैमिली 2 है, तो पाई माइनस sec इनवर्स sec पाई बाय 10, हेंस मेरे बच्चे इसका आंसर है पाई माइनस पाई बाय 10 व्हिच मेक्स इट 9 पाई बाय 10. एक बार रीकैप पूरे क्वेश्चन का, मेरे बच्चे 2 पाई बाय 5 जो है, 2 पाई बाय 5 जो है मेरे बच्चे, इसका मतलब है 72, तो 72 को हमने लिख दिया 90 - 18, और को फैक्टर लग गया तो बन गया sec का 18. अब ये sec का 18 बन गया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस. अब इसको ट्रांसलेट कर दिया यहां पर, और फिर 18 नहीं पता था तो उसे पाई बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई बाय 10. अब ये फैमिली 2 है तो पाई माइनस sec पर sec पाई बाय 10 कैंसिल हो गया, सॉल्व कर दिया 9 पाई बाय 10. आई होप आप सबको समझ में आ रहा है बेटा. किसी को भी बेटा क्वेश्चन ट्राई करिए, cot इनवर्स tan माइनस 11 पाई बाय 6 स्टार्ट करिए बेटा. सबसे पहले tan का माइनस थीटा जो होता है बेटा, मेरे बच्चे tan का जो माइनस थीटा होता है बेटा वो होता है मेरे बच्चे माइनस tan थीटा. अब इसकी इसका मतलब समझते हैं कि 11 पाई बाय 6 कितना है, तो 11 पाई बाय 6 कैंसिल कर दिया 30, तो 330. तो मेरे बच्चे देखिए, तो हमने इसको बोल दिया 330 है ये, 330 को हमने बोल दिया मेरे बच्चे, इसे 270 पे ब्रेक करूंगा बेटा ताकि कोफैक्टर लगे और ये cot बन सके, ठीक है? अगर मैं इसे 360 पे ब्रेक करूंगा तो कोफैक्टर नहीं लगेगा और ये मेरे किसी काम का नहीं होगा, tan और cot इनवर्स कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो आप दिमाग लगा रहे हैं, पिछली क्लास में बार बार ऐसे क्वेश्चन करे थे जिनमें हमें ऐसा चाहिए था कि कोफैक्टर ना लगे, आज हम जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें कोफैक्टर चाहिए तभी वो बार बार इसे कट पाएगा. तो मेरे बच्चे इसमें को फैक्टर लग जाएगा तो बन जाएगा cot थीटा और चौथे क्वाड्रेंट में माइनस, और फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस. तो मेरे बच्चे ये हो गया cot इनवर्स माइनस tan बेटा 270 को बोलेंगे 3 pi by 2, और इसको बोलेंगे बेटा pi by 3. फिर मेरे बच्चे ये बन जाएगा माइनस cot पाई बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा माइनस माइनस, और फिर मेरे बच्चे बन जाएगा पाई बाय 3. एक बार फिर से tan का नेगेटिव बाहर जाता है, 11 पाई बाय 6 है तो 11 पाई बाय 6 को हमने कैंसिल कर दिया तो 330 हो गया, 330 को हमने बोल दिया 270 + 60, तो 270 प्लस 60 बोला कोफैक्टर लग गया cot 60, चौथे क्वाड्रेंट में माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ट्रांसलेट करा माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट से कॉट इनवर्स कट गया, आंसर इज पाई बाय 3. आई होप मैं आपको अपनी बातचीत समझा पा रहा हूँ मेरे बच्चों, जल्दी से इसे नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछ लें, नया टॉपिक करने के लिए तैयार है अब हमें स्टार्ट करते हैं आगे. तो देखिए अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने के लिए जा रहा हूँ, बढ़िया चीज सीखेंगे आज अभी और इनवर्स ट्रिगो के बारे में. देखिए ध्यान से समझिएगा, सपोज कि किसी भी एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि किसी भी क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि
साइन इनवर्स एक्स इज 1/2। सपोज कि किसी का क्वेश्चन में रखा है कि साइन इनवर्स एक्स इज 1/2, ध्यान से सुनना। तो मेरे बच्चे अगर साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1/2 के साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, मुझे इतना दे रखा है कि इफ साइन इनवर्स 1/2 है देन फाइंड ऑल अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू। क्वेश्चन है कि अगर साइन इनवर्स 1/2 है तो आप बाकी से बाकी सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालो। अगर मेरे बच्चे साइन इनवर्स 1/2 यानी कि मुझे कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो बाकी सबकी वैल्यू निकालो। कैसे करेंगे, ध्यान से सुने बच्चे, जिसकी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यू पता है आप बोल दोगे लेट साइन इनवर्स 1/2 बी इक्वल टू एक्स। आप बोल दोगे लेट साइन इनवर्स 1/2 बी इक्वल टू एक्स। अब ये वहां पर चला जाएगा तो वहां पर जाकर के बन जाएगा साइन एक्स। मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था कि इनवर्स फंक्शन अगर वहां चला जाता है तो वहां जाकर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। अब ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब मेरे बच्चे अगर साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 तो होता है पी बाय एच, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एक ट्रायंगल के अंदर बात करूं तो उसके अंदर परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो बेस की वैल्यू फिर √3 आनी चाहिए। 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का अंडर रूट। मेरे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं यहां पर तो यहां पर मुझे पता लग जाएगा कि बेस की वैल्यू तो √3 है। बेस की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, √3 है। तो अगर बेस की वैल्यू √3 है मेरे बच्चे तो फिर क्या ये कहना सही है कि cos x जो है वो 3√3/2 है, b by h है। तो फिर मेरे बच्चे क्या ये कहना सही है कि जो cos x है वो b by h है। भाई अगर sin x पता है और sin x की वैल्यू b by h होती है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये h हो गया, ट्रायंगल तो जो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, मैंने बेस निकाल लिया तो cos x वैल्यू √3/2 है। तो क्या यहीं पर ही, अब अगर मैं cos को वहां पर भेज दूं तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या √3/2 हो गई। देखिए x = cos इनवर्स √3/2। एक बार फिर से, मुझे sin इनवर्स 1/2 था, मैंने उसको एक x मान लिया, इनवर्स फंक्शन वहां जाके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, sin x की वैल्यू हाफ है यानी p / h है, तो परपेंडिकुलर पता है, पता है बेस निकाल लिया तो cos x की वैल्यू p / h हो गई, जिसमें वहां जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा, तो हो गया cos इनवर्स √3/2। यही पर ही tan x की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये वहां पर चला गया अगर, तो x की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/√3। फिर से मेरे बच्चे यहीं पे cosec x की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चे, cosec और cosec होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर यानी 2/1। तो अगर वहां चला जाए तो x = cosec इनवर्स 2/1। इसी तरीके से मेरे बच्चे sec x की वैल्यू हो गई हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस यानी कि 2/√3। ये वहां चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी sec इनवर्स 2/√3। इसी तरीके से मेरे बच्चे cot x होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और अगर मैं इसे वहां पर भेज दूं तो x की वैल्यू हो गई cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस टॉपिक में आपको। अगर मुझे कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पता हो, अगर मुझे कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पता हो मेरे बच्चों सुनिएगा बात को, अगर मुझे कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पता हो तो मैं उसे अगर इक्वल टू एक्स मान लूं तो वो इनवर्स वहां जाकर के साइन एक्स बन जाएगा। साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल बना के तीसरी साइड निकाल लूंगा तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/2, कॉस यहाँ पर आकर के कॉस इनवर्स बन जाएगा। ऐसे tan x वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1/√3, तो tan यहां पर आके tan इनवर्स 1/√3 बन जाएगा। सिमिलरली सबकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमने क्या सीख लिया यहां पर, सभी बच्चे जरा अटेंशन देंगे, फोकस देंगे, हमने क्या सीख लिया यहां पर कि अगर साइन, अच्छा अब देखो, ये भी x की वैल्यू है, 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 मतलब सारी की सारी वैल्यूज सेम हुई है, बराबर हुई ना, ये सारी की सारी वैल्यूज बराबर हुई ना बेटा, ये भी x के इक्वल है, 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 सारी की सारी वैल्यू बराबर हुई।
यानी कि अगर मुझे कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता हो तो मैं उसे इक्वल टू एक्स मान करके ऐसे ट्राइंगल बना करके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकता हूँ। और इसका मतलब ये है कि ये साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2। दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टैन इनवर्स 1/√3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 and this is also equal to sec inverse 2/√3 and this is also equal to cot inverse root 3। yani ki agar mujhe ek trigonometric ratio ki value beta pata lag jati hai to main wahan se baaki sare ke sare ki trigonometric inverse functions ki values ko pata laga sakta hu। yani ek aur baat mujhe yahan se samajh mein aati hai, wo ek aur baat mujhe kya samajh mein aati hai, ye sare ke sare barabar bhi hai, yani main kabhi bhi sin ek inverse function ko cos इनवर्स में चेंज करना चाहता हूं तो वो √3/2 होगा इस मेथड से। समझ में आ रही है बात आपको? एक बार इसे नोट करो, नोट करते करते अपने डाउट्स पूछो, फिर मैं एक बार दोबारा दूसरे तरीके से समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं इसी प्रश्न को अब एक दूसरे दृष्टिकोण से आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है कि ये जो ट्राइंगल ट्राइंगल बनाकर के हमने किया है ना, ये जो मैम तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हमने ट्रायंगल बना करके किया है ना, ये बिल्कुल सही है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, यही इसका एक्चुअल मेथड है। लेकिन पेपर में एक नंबर का ही आ सकता है कि तो प्रूव करो, और या फिर किसी बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, तो फिर उस केस में ट्रायंगल ही बनाएंगे, सीधा शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट में क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल ट्रायंगल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं। शॉर्ट में कैसे करेंगे इसे, शॉर्ट में कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना जरा। हमारा जो साइन इनवर्स है वो 1/2 है ना, है ना। तो अब आप ऑटोमेटिकली समझ के चलो कि साइन इनवर्स के अंदर जो होता है वो पी बाई एच ही होता है। भाई लॉजिकल बात तो समझो ना, अभी अभी जो मैंने किया था उसमें मैंने साइन इनवर्स 1/2 को एक्स माना था, ये वहां चला गया था, तो गया था साइन एक्स, और मैंने आपको बोला था कि ये पी बाई एच है। तो अगर मैं साइन को वापस ले आऊं तो साइन इनवर्स पी बाई एच ही, एक तरीके से ये परपेंडिकुलर हाइपोथेसिस तो चल रहा है। तो शॉर्ट में करेंगे सीधा, ये साइन इनवर्स है, हमने ये बचपन में पढ़ा हुआ है सभी ने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले, उनके बता रहा हूँ, किसी को ये नहीं पता है कि साइन थीटा की वैल्यू एस फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है पी बाय एच, कॉस थीटा की वैल्यू होती है पी बाय एच, और टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये साइन इनवर्स है, तो ये पी बाय एच है, तो डायरेक्टली ट्राइंगल मन में बनाओ, डायरेक्टली ट्राइंगल मन में बनाओ कि परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 2 तो बेस 3। अब मुझे अगर मेरे बच्चे इधर सुनना, शॉर्ट में कैसे करेंगे इसे सीधा, शॉर्ट पे कैसे करेंगे बेटा इसे सीधा, शॉर्ट पे कैसे करेंगे सीधा, तो ट्राइंगल बना लिया हमने यहाँ पर, और ट्राइंगल के अंदर हमने तीसरी साइड निकाल ली। तो अब यही चीज किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स पी बाय एच सीधा सीधा डायरेक्टली, और यही चीज टैन इनवर्स, अब टैन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टैन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, और फिर यही चीज किसके इक्वल है, कोसेक इनवर्स, कोसेक क्या होता है मेरे बच्चे साइन को टेन एच बाय पी, तो सीधा सीधा एच बाय पी, और फिर यही चीज किसके इक्वल है बेटा सेक इनवर्स, सेक इनवर्स बेटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है यानी एच बाय बी, तो एच बाय बी तो टू बाय वन नहीं, कुछ मैंने उल्टा बोल दिया, कोसेक होता है साइन का उल्टा बेटा, तो एच बाय पी तो 2/1, और ये होता है मेरे बच्चे सेक इनवर्स तो एच बाय बी तो 2/√3, और फिर मेरे बच्चे यही चीज कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स होता है मेरे बच्चे बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर तो √3/1, यानी हम डायरेक्टली करेंगे शॉर्ट में, वो एक्स ले ले करके करने वाला मेथड इज द एक्चुअल मेथड। लेकिन ये किसी बड़े प्रश्न का एक छोटा सा पार्ट होता है, तो हम डायरेक्टली करेंगे साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है कि ये पी और एच है, पी और एच लिखो तीसरी साइड निकालो। अब यही चीज कॉस इनवर्स में क्या हो गई, बी बाय एच सीधा बी बाय एच, यही चीज टैन इनवर्स में क्या हो गई सीधा परपेंडिकुलर बाय बेस सीधा, तो सेक इनवर्स में एच बाय पी डायरेक्टली, ठीक है। शॉर्ट में वैसे करेंगे, इसे नोट मत करो, एक शॉर्ट में करने के लिए क्वेश्चन देता हूं मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन करना है आपको खुद से बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है हमें, बाकी की वैल्यू निकालनी है हमें मेरे बच्चों। तो बेटा ये कॉस इनवर्स 2/5 है, तो कॉस इनवर्स 2/5 है, तो कॉस होता है मेरे बच्चे बी बाय एच, मतलब इसके अंदर जो बेस है वो 2 है, जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है, तो 25 - 421 तो परपेंडिकुलर हो गया √21, 25 - 4 = 21 का √21,
तो बेटा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा पी बाय एच यानी रूट ऑफ 21/5 फिर बच्चे टैन इनवर्स क्या हो जाएगा फिर बच्चे परपेंडिकुलर बाय बेस रूट ऑफ 21/2 फिर बच्चे कोसेक इनवर्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चे तो मेरे बच्चे कोसेक इनवर्स हो जाएगा एच बाय टी तो 5/√21 फिर मेरे बच्चे sec inverse कितना हो जाएगा मेरे बच्चे sec inverse हो जाएगा मेरे बच्चे h by b तो 5/2 और मेरे बच्चे cot inverse कितना हो जाएगा मेरे बच्चे तो cot inverse हो जाएगा मेरा base by perpendicular तो 2/21 I hope आप सभी ने सही किया होगा किसी ने भी गलत किया है तो वो एक बार प्लीज यार किसी को कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है तो अनम्यूट करके मुझसे बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक हम लोग सीख रहे हैं और अभी इसी के ऊपर बेसिक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाते हुए आपको एक और अच्छी चीज सिखाऊंगा इसके बारे में कोई भी चीज यहाँ पे डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए जल्दी से जी मेरे बच्चों तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है मुझे मेरे बच्चे मुझे tan इनवर्स 5/7 पता है मुझे बाकी सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चाहिए मेरे बच्चे ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस 7 है तो इसका हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे बच्चे 25 + 49 14 का बन गया बच्चे और एक साथ √74 चेक कर लेना बेटा मेरी मैथ थोड़ी वीक है बेटा 25 + 49 यस 74 तो इसी चीज को अगर मैं साइन इनवर्स में बोलूंगा तो बेटा ये बन जाएगी p/h यानी कि 5/√74 फिर इसी चीज को मेरे बच्चे जब मैं cos इनवर्स में बोलूंगा तो बन जाएगी p/h यानी कि 7/√74 फिर मैं इसी चीज को मेरे बच्चे tan तो आ गया मेरे पास में फिर इसी चीज को जब मैं cosec इनवर्स में बोलूंगा तो cosec इनवर्स होगा बेटा h/p तो √74/5 फिर sec इनवर्स में हो गया मेरे बच्चे ये मेरे बच्चे sec इनवर्स में यही चीज बन गई मेरे बच्चे h/p यानी कि √74/7 और cot इनवर्स में यही चीज बन गई मेरे बच्चे बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि 7/5 आई होप आप सबका सही है इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो एक बस 3-4 सेकंड दे रहा हूं जल्दी से पूछ लो क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बेस पर बतानी है तो मेरे बच्चों अगर हम यहां पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें तो सुनिएगा जरा बात को देखिए वैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं राइट साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं राइट अगर आप यहाँ पे देखो तो साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की अंदर की वैल्यू एक दूसरे की उल्टी आ रही है बेटा ऐसे ही कॉस और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो यहाँ पे कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स की वैल्यू एक दूसरे की उल्टी आ रही है बेटा ऐसे ही टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो देखो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स की वैल्यू एक दूसरे की उल्टी आ रही है सेम ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे ले सकते हो कि साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर की बात एक दूसरे की उल्टी है बेटा देखिए तो यहां से एक रिलेशनशिप हमें पता लगता है मेरे बच्चे एक रिलेशनशिप हमें पता लगता है बेटा कि अगर कोई चीज साइन इनवर्स एक्स बाय वाई है तो वो कोसेक इनवर्स में वाई बाय एक्स होता है अगर कोई चीज कॉस इनवर्स में ए बाय बी है तो वो सेक इनवर्स में बी बाय ए होता है अगर कोई चीज टैन इनवर्स में सी बाय डी है तो वो कॉट इनवर्स में डी बाय सी हो जाता है बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें समझ में आता है यहां से कि अगर साइन इनवर्स में कोई चीज एक्स बाय वाई है तो कोसेक इनवर्स में वो वाई बाय एक्स हो जाता है उल्टा हो जाता है ऐसे अगर कोई चीज cos इनवर्स में a / b है तो sec इनवर्स को उल्टा हो जाता है देखो cos इनवर्स और sec इनवर्स वाले तो आंसर है और ये देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन तक पहुंच के इसे नोट करने के जरा बेटा से नोट कर लेंगे जरा मेरे बच्चे